सर आप कभी वैसे इन जनरल इतनी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते हैं, मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं पहले ही। जी, अच्छा अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लाइंट में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, एक्स वाई जी, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे, और उसके बाद मुझसे मेरा अंतिम संस्कार करवाएंगे, तब मैं बनूंगा नागा साधु। कि सबसे पहले ना आपको सांसारिक मोह माया से परे होना पड़ेगा, ये सबसे हटो तब बनोगे तुम नागा साधु। तो अगर मैं उस नजर से देखता हूं तो मेरे को लगता है कि ऋषि मुनि के तो एकदम पास वही पहुंच गए, क्योंकि यही सब छोड़ के तो मोक्ष की प्राप्ति है। आदमी किस चक्र में फंसा रहता है भाई। मैंने मेरे पास एक डॉगी है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने 7-8 साल उसके साथ खूब खेला, मेरे को बहुत प्यार था, मेरा डॉगी चला गया, डेथ हो गई उसकी। ठीक है भाई, डेथ हो गई, तो मैं एक मोहपाश से छुटकारा पाया ना, मेरा एक मोहपाश खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं एक और कुत्ता ले आऊंगा, मैं फिर उसको ऐसे ऐसे कर, मैं चाहता ही नहीं मोक्ष पाना, मैं चाहता हूं ये सर्कल्स में मैं फंसा ही चल रहा हूं। तो इसलिए पहले उनको ये सब मोहपाश से अलग किया जाता है कि अब बनो तुम नागा साधु। लोग बोलते हैं कि नागा साधु कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसानी मांस खा लेते हैं, अंतिम संस्कार में से खींच के खा लेते हैं, डेड बॉडी के साथ संभोग कर लेते हैं, ये सब सच है, ये सब सच है, लेकिन उसके पीछे कारण है। आप छोटे बच्चे को देखे हो ना, बच्चे को आप क्या बोलते हो, भगवान का रूप बोलते हैं ना हम लोग बच्चे को। बच्चा जमीन में बैठे बैठा रहेगा और बच्चा सुसु कर देगा, तो बच्चा तो उस सुसु में खेलता रहेगा। आप बड़े हो गए हो, आप उस बच्चे को बोलोगे कि छीछी बेटा छीछी, तब वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये छीछी तो ये अच्छा है और ये बुरा है। वो पता ही ये नहीं जब है। तक बच्चे को नहीं पता होता ना, तभी तक बच्चा भगवान का रूप होता है। ये अघोरी लोग ना उस श्रेणी में भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं,